شراب كالي خليته. السلام عليكم سر. سلام. Where are the rest of the people, rest of your colleagues? सर Kindly अभी communicate. आ रहे हैं सर अच्छा, अभी आ आपने रहे हैं। लिंक पे क्लिक किए? यस सर लिंक पे वहाँ से डायरेक्टली क्या सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी. मुझे बताएं कि रिस्पॉन्स क्यों लेट हो जाते हैं, व्हाट्स द रीजन? सर ये कभी कभार वही पर सर मसला आ जाता है सर। आप जब लिंक शेयर करते हैं तो वहाँ से ओपन नहीं होते हैं सर। फिर लोग डायरेक्ट ये बंदे कुछ बंदे व्हाट्सएप में सर भेजते हैं, फिर वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करते हैं सर। तो आप गूगल क्लासरूम में क्यों नहीं आते? आई मीन मैंने सर तो बेसिकली तो गूगल सर मैंने तो गूगल क्लास क्लासरूम से किया है सर। नहीं, मैं सर कहता हूँ ना कि मतलब सबको कि बताएं कि मोबाइल में गूगल इस तरह से क्लासरूम से होता है आया सर। करें ना. सबको ये बताना जरूरी है कि गूगल क्लासरूम से आया करें ना. ठीक है. ठीक है सर ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि हमजा, आर यू देयर? सर ये 2 आवर आ गए सर। अच्छा, सोराब, आप जरा माइक ऑफ कर दें, जिससे मैं बोल रहा हूँ ना वही बात करें, बिकॉज रिकॉर्डिंग इज ऑन एज वेल. ठीक है ओके सर। हमजा हमजा, कुड यू प्लीज टेल मी दैट आपने सिर्फ लिंक पे ज्वाइन किया है तो आप डायरेक्ट आते गए हो? सर मैंने असल में मेरी जो आईडी थी ना वो बनी हुई थी बहुत पहले की, जो आपने जो स्टूडेंट आईडी जो है ना उसमें मेरा जल्द तेज ईमेल बोले. आ रहा है, ईमेल आ रहा है लेकिन पासवर्ड नहीं आ रहा। मैंने टीचर से एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से ये सब से मालूम की, तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले ने कहा कि आप अगर अपने आप मुझे जिस आईडी से आप पहले गूगल क्लासरूम में आते रहे हैं उसी से आए हैं आप, जब जरा लिंक तेज जब बोले सर हमजा, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही. आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है पर तेज नहीं है ना, जरा लाउडली बोले. मैंने एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कहा कि अब्दुलरहमान साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि आप मतलब गूगल की उस पर स्पेशल आईडी बनाए, जिनकी बन गई तो ठीक, जिनका कोई इशू आ रहा है वो पुरानी आईडी से अपने असाइनमेंट सब कुछ अपलोड करते जाए फिर बाद में देखी जाएगी उनके पास। तो तो इसका मतलब मैंने है कि वो कभी पुराने आईडी पे कर सकते हैं, पर इन्होंने तो कहा हुआ है कि सिकास आईडी जरूरी है. बिल्कुल कहा सर बिल्कुल कहा, ये बात मैंने अभी अब्दुलरहमान साहब से की 1/2 घंटा पहले। उन्होंने कहा कि मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी तो उसी से ही आ रहे हैं, मतलब पुरानी आईडियाँ से आ रहे हैं, किसी ने एक दो असल बंदों में ने पता बनाए। क्या है, ये कह रहे हैं कि ये अब्दुलरहमान साहब, सबको शायद कोई पता नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाद में इन्होंने, जब आप शिफ्ट करते हो ना किसी अपनी पर्सनल, अभी आपकी पर्सनल आईडी है ना हमजा? जी सर मेरी पर्सनल आईडी है। हाँ, तो ये आपकी पर्सनल आईडी पे, से जब आप सिकास की आईडी में शिफ्ट होंगे तो वो असाइनमेंट का क्या बनेगा जो आपने इस आईडी पे दिए हुए हैं, या क्विजेज, या आपका और मटेरियल? तो ये सर ये मेन बात क्वेश्चन तो है. मैंने कहीं उन्होंने अब मेरा वो अच्छा, ये जी एक चीज आपके बताएं हैदर मुझे. साहब जो हैं उनके मोबाइल बंद आ रहे हैं सर, उनसे कांटेक्ट नहीं है। नहीं, आबिद हैदर साहब ने तो रिजाइन कर दिया ना. आई डोंट नो कि वेदर ही विल बी अवेलेबल और नॉट, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन का अच्छा प्रोसेस है, तो क्या कोई मुझे बता जी सकते हैं हमजा के अलावा कि कोई किसी ने आईडी के लिए अप्लाई किया हो और वो सिकास की आईडी उनकी बन गई हो, कोई ऐसा है? क्योंकि आपके कहने के मुताबिक मैंने जो है ना, अपना 1 मिनट, आपके कहने के मुताबिक भी मैंने जो है ना असाइनमेंट, जो असाइनमेंट 1 है और असाइनमेंट 2 है उसका, हालांकि जो ड्यू डेट है असाइनमेंट 1 की तो पहले ख़त्म हो चुकी थी, और असाइनमेंट 2 की जो ड्यू डेट है वो 26 थी, 26 अक्टूबर, लेकिन वो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया बिकॉज दैट यू आर सेइंग दैट सिकास की आईडी बनते हुए 72 आवर्स तक ले सकती है, तो इट मीन्स एक्सटेंडेड फॉर 3 डेज. देन एंड द ड्यू डेज आई केप्ट 30 नवंबर. जी बताएं आप कोई एक. जी जी सनान, सर बन गई सनान है मलिक, आप सर। बताएं आप क्या है? जी सर ये सीकास की आईडी बन गई है, अभी सीकास आईडी से लॉगिन की है सर। अच्छा, आपकी कब बनी है बेटा? कल सर ये कल बन गई थी सर। बन गई थी. तो देखिए, ये उसका प्रोसेस में है हमजा, आपने अभी अप्लाई नहीं किया हुआ, तो अगर आप अप्लाई करते, आपने अप्लाई किया हुआ कि नहीं किया हुआ हमजा? तब अप्लाई किए थे कि जब ये स्टूडेंट अफेयर वालों ने SMS किए थे कि आप आईडी बना ले, उन दिनों मैंने अप्लाई किया था सर, बिल्कुल शुरू वाले दिनों में। तो दोबारा अप्लाई कर और लेना, अभी इसमें तो क्या हर्ज है? अब दोबारा बनाना सर मसला यही है। वो जब मैं उधर जाता हूँ तो उसने कहा कि आप एक बार अप्लाई कर चुके हैं, आप उसी को फॉलो करें। यार, तो यूनिवर्सिटी थोड़ी बंद है, आप मंडे को आ जाएं, डिस्कस करें, अपना मामला निपटाएं, खत्म करें इसको. मैं सर मंडे को अब मैं आऊंगा सर, अब आज मैं आ रहा था लेकिन सर ने कहा कि आज कुछ टीचर्स ज्यादातर नहीं आते, तो आप मंडे हाँ, को आना। ज़्यादातर आज के दिन तो खैर मेरे ख्याल में नहीं आते ज़्यादातर, लेकिन आप मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में किसी भी दिन आ जाएं, और कोशिश करें कि मंडे, आपका मतलब बड़ा सीरियस है इस तरफ. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, अच्छा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं चले, मैसेज में सबसे पहले वो अपना नाम और आईडी लिखें जिनकी सिकास की आईडी है.
असल में मेरा ईमेल बना है, पासवर्ड पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है, ये मसला सर आ रहा है। बाकी तो एक्टिव भी है, स्टेटस भी एक्टिव है, सब कुछ आ रहा है, सिर्फ पासवर्ड का पासवर्ड मसला नहीं अगर आ रहा। है, अगर पासवर्ड का मसला है तो जाहिर कंप्यूटर सेल में बैठा होगा, वहीं से उससे दोबारा कॉल करें, मसला हल हो जाएगा। सर ये मसला आ रहा है और कुछ मसला नहीं है। अच्छा एक मिनट, में जरा ये अपने दोस्तों से भी बात कर लूँ, है ना। ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि इन्होंने सिकास की आईडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि उनका 72 आवर्स से ज़्यादा हो गया, लेकिन उनकी अभी तक ईमेल आईडी नहीं बनी। ये असल में नेटवर्क वालों का काम है ना, तो ये कब तक इनकी बन जाएगी या क्या? नहीं, अभी हैदर साहब खुद बनाते हैं कि आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, सर वो खुद बनाते हैं। तो अभी तो अभी हैदर साहब नहीं है तो कौन बनाएगा? तो रहमत शाह ने तो अभी चार्ज नहीं लिया शायद। तो इसका मतलब है कि कुछ असल में कुछ स्टूडेंट्स का ये मसला है कि वो उनकी सिकास की मेल आईडी अभी तक नहीं बनी हुई। और गूगल क्लासरूम में ये बड़ा मसला होता है कि ये अगर आप किसी और आईडी से लॉगिन होते हैं ना, तो अगर आप उसमें असाइनमेंट दे रखी और फिर आप बाद में आप शिफ्ट करते हो सिकास की आईडी के लिए ना, तो फिर वो मसला हो जाता है, फिर वो असाइनमेंट उनको शो नहीं होती। सर जी, तो आबिद हैदर साहब क्या आज हैं? सो बेटा, आई हैव टॉक टू द नेटवर्क पीपल्स एंड दे आर सेइंग दैट यू शुड कांटेक्ट टू आबिद हैदर साहब। ओके, नंबर नंबर सर बंद आ रहा है, असल में हमने कॉन्टेक्ट किया है कुछ दिनों से। उनका बंद आ रहा है, कोई ओल्ड अल्टरनेट है? अच्छा, ठीक है, ये नंबर मेरे साथ, कोई दूसरा नंबर भी आ जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ओके, सो दैट प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। ठीक है सर इंशाल्लाह। और कुछ नहीं ओके, सर, मैंने पहले असाइनमेंट अपलोड की थी लेकिन अब मैंने, अगर अब यहाँ पे आके बोल दें तो क्लास में शेयर हो जाएगा, अगर आ जाए। अच्छा हमजा, ये ईमेल, ये अपना मोबाइल नंबर ज़रा नोट कर लें, ये मेरा दोस्त जो है राणा नेटवर्क का, ये आपको बताता है अभी। जी सर, ठीक वलीद साहब, वलीद साहब है। अस्सलाम वालेकुम, ये है। आप डबल नंबर नोट करें, सर आबिद हैदर का 0334 3 4 9978 9 7 8 105। 105 0334 9 7 8 105। ये बिल्कुल बिल्कुल, इनका दूसरा नंबर है ना सर? ये दूसरा नंबर है ना? ओके। ये नंबर आपके साथ, आपने इसी नंबर पे ट्राई किया था हमसे, किसी और नंबर पे किया था? जी, अब इस पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे जो दूसरे स्टूडेंट हैं उन भी इसी नंबर नंबर तो आ गया ना, तो इस नंबर पे सब। ठीक है, अच्छा हमजा, ये जो आबिद हैदर साहब का नंबर है ना, वो मैसेज में लिख दें ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, ताकि स्टूडेंट्स देख लेना, तो वो करने, तो आप आबिद हैदर साहब का नंबर जो है ना चैट में लिख दें। अच्छा, सो हु आर देयर? या निसार, आर यू देयर? मैंने आपको देखा कि आप आ गए निसार। सर आर यू देयर? नहीं है सर। सर वॉज देयर एक्चुअली। अभी हैदर साहब में पूरा नाम लिखे ना, नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क या मैनेजर आईटी, मैनेजर आईटी है ना अभी हैदर साहब। एनी हाउ, ये नंबर सबके सामने है और सबके सामने आ भी चुका है, तो रिकॉर्डिंग ऐसे भी हो जाएगा। और इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर दीजिए, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल भी जाएगी। तो ये पिछली वाली रिकॉर्डिंग भी, जो आपके लास्ट लेक्चर थर्सडे को जो लेक्चर हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज देता हूँ, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और जो आपकी से पहले रिक्वेस्ट थी ना, कि कुछ मिनट्स की रिक्वेस्ट थी कि वीडियो की लेक्चर अगर हम मुझे पहले मिल जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने एक
एक लेक्चर में बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और वो लिंक आपको एडवांस में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो यू शुड ज्वाइन, और जी साथ में ये सेशन क्लास भी होती रहेगी, लेकिन आपने फिर उस लिंक पे जाके आप अगर आप एडवांस में सुनना चाहते हैं ना लेक्चर को, बल्कि सबके लिए मैंडेटरी होगा कि सब वो सुन के आ जाएं और सब दे के आ जाएं, तो आपके लिए ये लेक्चर और फिर इसमें फिर डिस्कशन होगी तो वो सहूलत हो जाएगी। द लाइव लेक्चर विल बी देयर, ये लेक्चर डिस्कशन के लिए हम रखेंगे और उसमें लेक्चर भी आगे बढ़ाएंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, तो बिकॉज द स्टूडेंट्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन दैट। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर। इज इट अ गुड आइडिया दैट यू मस्ट हैव अ वीडियो लेक्चर इन एडवांस? यस सर, सर, यस सर, सर, काइंडली शेयर द लेक्चर ऑफ बैच सर, सर, एज दे हैव मेड इन प्रीवियस सेशन सर। या आई एम Nisar has just joined me. Yeah, I will share with you the previous lecture as well. And but before that, that video I'll be sharing with you. But before that, as you requested, majority of the students that the lecture should be recorded in advance and sent to you. So I will do the same. Okay, I will record the lecture in advance and will put it on the keyboard, that YouTube, and then you can just easily click that link and download that video lecture. Okay, so that will be there, and you will be easily doing the material understand. Okay, so it's a good idea, and we will encourage that. We will just find the venues that how you are going to how we can facilitate you in understanding. ये बड़ा अहम चीज़ है कि हमें सिर्फ मेन मकसद ये है कि आप किस तरीके से लेक्चर को सीख लें। अच्छा, मुझे बताएं सबके पास सिस्टम है ना, तो सिस्टम में आप एक्सेल जरा ऑन करके दिखाएं मुझे, एक्सेल ऑन करें ताकि आज के जो प्रैक्टिस का सेशन है हम सिर्फ उस पर काम करें, क्योंकि आज का वही लेक्चर है, उसमें मैं ज़्यादा नई चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, वो थर्सडे के लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। Yes, Ubaidullah. Yes, Ubaidullah, you can ask. Sir, मैंने नंबर पे ट्राई किया, नंबर बंद आ रहे हैं सर, वही नंबर है। चले चले, अभी छोड़े इस मामले को ना, इस पर ये बाद में डिस्कस करते हैं बस। ये नंबर तो आपके पास आ गया ना, बाद में इसको। अभी इसको छोड़े ना, इस चीज़ को भी हम लेक्चर की तरफ आते हैं, ठीक है, डिस्कशन हो चुकी है। अच्छा जी, उबैदुल्लाह कुछ पूछना चाह रहे थे? नो सर, नो सर, नहीं बोल रहा आपने, यू हैव जस्ट रेज द हैंड्स एक्चुअली सर, इट्स मोहम्मद हमजा सर। अच्छा, आपने किया था, वो मिक्सअप हो रही है चीज़ें। चले, एनी हाउ, निसार इज देयर? निसार, सर क्यों रिस्पांस आपका बड़ा कम आ रहा है? दो तीन मरतबा मैंने पूछा आपका। सर बीमार हूँ। क्या मसला है? सर दो दिन से बुखार है। बुखार है, चल अल्लाह बेहतर करे। चले, ये रिस्पांसिबिलिटी हु इज गोइंग टू टेक, कौन सा जो बंदा है जो कि टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अच्छा है आप में से? उबैद सर, उबैद, उबैदुल्ला जी सर, आपको थोड़ा सा कमांड है अच्छी चीजों पे, ये टेक्नोलॉजी वाइज? सर इतना नहीं है सर। आप में से कौन ज्यादा अच्छे है? गूगल क्लासरूम को पहले भी आप लोगों ने गूगल क्लासरूम पे क्लासें ली है, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये देखें, ये जो बंदा छोड़ रहे हैं ना, इनके आप नाम नोट करें, ठीक है? दोस्त हुआ सर, क्या छोड़? ये जो क्लासरूम को लीव कर रहे हैं, साइन इन के बाद वो लीव कर रहे हैं, तो उनका अपना नाम नोट करें। सर ये वीडियो रिकॉर्डिंग में या गूगल क्लासरूम में? सर यार अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो कुछ जी लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। गूगल क्लासरूम की बात कर रहा हूँ ना, गूगल मीट की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, कोई क्लास से बिना बताए हुए छोड़ रहा है ना, इट मींस शी विल बी कंसीडर। तो लड़के सर आते जाते हैं सर, इस तरह तो पता नहीं लग सकेगा। सर ये तो नेटवर्क की वजह से भी बहुत, ये नेटवर्क की वजह से हो रहा है सर।
तो सर फिर रिज्वाइनिंग वो जो है ना वो बहुत बहुत हो जाती है। ये देखिए बेटा इस तरह नहीं है, ये जो अगर नेटवर्क का इशू है तो एक आध मरतबा हो सकता है ना, ठीक है। सर ये अक्सर नहीं होता है सर, सब क्लासेस सर, में ऐसे ही होता है। सर जहाँ सिग्नल वीक जा रहे हो वहाँ वो ये ज्यादातर होता है सर, ये होता है बहुत बहुत। वही मैं कहता हूँ ना, तो ये आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपने सिग्नल वीक बनाएं। आप पैकेज ले लें और अच्छे से, क्योंकि आपको बताया गया है अगर आपके पास कोई इशू है, नेटवर्क का कोई इशू है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यू शुड कम एंड जॉइन द सिका सिस्टम, ओके। और सिका सिस्टम पे आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, यू शुड कॉन्टेक्ट टू रोहित सर, ओके, इन दिस रिगार्ड। जो कि हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक्स हैं, वो यू शुड कॉन्टेक्ट हिम, ही विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। इज इट क्लियर? तो अब ये नेट वाला जो इशू है, अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो फिर आपके साथ तो ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नेट का कोई इशू है, वाकई जेन्युइनली कोई इशू है, देन यू कैन कम एंड डिस्कस विद हिम, ओके। तो ओके सर, ओके सर, रऊफ साहब जो है वो कर देंगे, लेकिन बाकी अननेसेसरी आपने जाना वाना यहाँ पे क्लासरूम में नहीं लगा रहना चाहिए, वो सब स्टिक होना चाहिए। अभी मैंने क्लास ली तो कोई बंदा नहीं गया। अच्छा सर, पहले एक आध बंदे के साथ मसला हो गया था, बाकी सारे इधर थे। सर ये ऐसा कोई खास मसला नहीं होता सर, लेकिन कभी कभार सिग्नल ड्रॉप होते हैं ना सर, तो इस वजह से फिर वो बंद हो जाए, हम दोबारा तो सर ज्वाइन कर लेते हैं ना सर, अभी जो लीव करे वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर बाद पाता, यही लोग दोबारा मसला भी लग नहीं रहा याद है। करते ना, बाद लोग दोबारा नहीं याद हाँ ये करते, गलत बात बच्चे है सर, हैं। लेकिन हमारा तो सर कभी कभार कनेक्शन कट हो जाते हैं सर, तो हम दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं सर। ठीक है ठीक है, फिर खैर है, फिर कोई मसला नहीं है। सर बल्कि मोहम्मद, सर योर कंप्लीट नेम इज मोहम्मद, जी सर योर कंप्लीट नेम इज व्हाट? मोहम्मद हामिद। मोहम्मद हामिद। अच्छा, ये आपकी आईडी पे भी लिखा होना चाहिए ना, नीचे आपने मोहम्मद हामिद लिखा हुआ है लेकिन आईडी पे आपका हामिद नहीं है। और साथ में इसके साथ मैंने आपको ये भी एक वीडियो दी थी कि आप अपने नाम के साथ जो है ना सी आईडी भी लिखा करें। सर उनके लिए सर मैं हमने वो अप्लाई की है सर जी, वो 72 और में हो जाएगा अच्छा ठीक है चले, क्योंकि सर, वो वो मैंने अप्लाई किया था सर जिस नाम तरीके आपने बताया था सर, लेकिन वो सेव ही नहीं हो रहा था सर, जिस तरह से वो मैम ने किया था ना सर, मैंने दो तीन दफा पर उस पर ट्राई किया सर, कभी फर्स्ट नेम के साथ आईडी लिख लिया, कभी सेकंड नेम के साथ आईडी लिख लिया, यस सर लेकिन लोगों ने सेव ही नहीं हो रहा लोगों था ने सर। लोगों ने किया हुआ है, लेकिन आई सर डोंट उन लोगों नो। ने किया, पता नहीं कि उन्होंने किस तरह से कर लिया, हम उनसे पूछ लेंगे सर, तो फिर वो हम भी हाँ कर लेंगे उनसे सर। पता कर लें, ये बाद लोगों के साथ होते हैं, बाद लोगों के साथ नहीं होता, कहीं गूगल क्लासरूम में कोई मसला हो सकता है। लेकिन एनी हाउ हाँ सर, लेट्स कम टू द वर्क, और आपके सामने एक्सेल शीट हो, और ये एक्सेल शीट फॉर ओके एग्जांपल सर, है, तो अगर आप कैसे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ओपन एन एक्सेल शीट, और उस एक्सेल शीट में स्क्रीन तो आपके साथ शेयर है मेरी पहले से ना, ठीक है। ओके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा जो कि क्लास में टाइम पे आए और वो दूसरों को एडमिट करता जाए। फिर सर तो बीमार है, वो तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बंदा जो कि सर। टाइम पे बस आया जो भी करे। पहले आ जाए सर, बस वो उसको आप बना दो तो एडमिट करता जाएगा। आप में से जो भी पहले आ जाते हैं ना एग्जैक्टली टाइम पे ना, तो वो इवन मैं भी बाद में आ जाता हूँ तो मुझे एडमिट करते जाए। लेकिन एक इसमें एक चीज़ और होगी ना, असल में मैं चाहता हूँ कि वो जो टेक्नोलॉजी में अच्छा बंदा है ना, रिकॉर्डिंग उसके पास चली जाएगी ना, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग उस बंदे के पास पहले से चली जाएगी जो बंदा पहले साइन इन करता है। चलें आप ये मुझे ही छोड़ दें कि बस आते जाएं, लेकिन एक मखसूस टाइम हम रखेंगे निसार कि 10 मिनट्स तक तो ठीक है, अगर आप नहीं ज्वाइन करते क्लास में, ठीक है, देन आफ्टर दैट आई विल नॉट अलाउ। मोहम्मद ठीक है हामिद सर, जी ये सबको बता दें। हाँ सर वो बता लेंगे सर, लेकिन अगर कोई क्लास ज्वाइन कर ले सर, और सर जी दरमियान में से उसका कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाए सर। नहीं, वो खैर है, वो ब्रेक हो जाएगी तो दोबारा आ जाएगा ना, लेकिन मैं कह हाँ रहा सर, हूँ लेकिन ये कि ठीक है सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने इनिशियली जब क्लास ज्वाइन करनी है तो उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इसको स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स को कहें हाँ कि सर, विद ये इन ठीक फाइव है सर। उनके उसूलन तो ये होना चाहिए कि 10 मिनट्स 5 मिनट पहले आप क्लास में आ चुके हैं। अगर सर जैसे आप ही वो लिंक शेयर होता है सर, नहीं हमारी करते कोशिश होती है कि हम आ जाएं क्लास में सर। अजान हफीज, अजान जी सर, अजान ठीक
मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल पहले से क्लास पे हो ना, तो मैं जब आपको लिंक सेंड कर दूँ तो फौरन ही आप उस लिंक पे कॉपी करके आ जाएं। तो आपको क्लासरूम में 5 मिनट पहले होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 12 बजे 11 बजे क्लास है तो आपको 10:55 पे क्लासरूम में होना चाहिए। ठीक है सर, कोशिश करेंगे। बल्कि एग्जाम मैं ऐसे कर लेता हूँ कि आप उसको वेट करें, एग्जाम आप तो टाइम पे आते हैं ना? जी सर। तो आप टाइम पे आया करें और सबको जरा गाइड कर दिया करें कि सबको कह दिया करें कि क्लास में आया करें। बल्कि ठीक है सर, ठीक है। ये जो जो लोग हैं साथ में जो पहले आते हैं, सौरभ वजीर आज पहले आया था सबसे पहले, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज जिस तरह कम्युनिकेशन सौरभ ने की है, तो इस तरह अच्छा है कि सौरभ करता जाए या कोई और भी करता जाए, जो पहले आ जाए तो सबको कम्युनिकेट कर दें कि टाइम पे है, उसके बाद आपको एब्सेंट मार्क। ठीक है सर, हम इस तरह कर देंगे सर। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, मेरी स्क्रीन तो आपके साथ शेयर हो रही है ना? नो सर, आपके कैम से नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा पहले आपकी स्क्रीन शेयर कर दूं ना। देखिए अभी लोग आ रहे हैं, मैं अभी तो अलाउड कर देता हूं लेकिन बाद में ये नहीं होंगे। अच्छा, जिसमें शाहनवाज है और अब्बास खान है। सर सर ये लिंक सर ये गूगल पे चला गया, ये 5 मिनट से शेयर। मैं कहता हूं कि ये देखें, ये कितनी बुरी बात है कि ये 11 मिनट्स 25 मिनट्स के बाद आया। Anyhow, ये आपको एक्सेल शीट नजर आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पढ़ा ना इससे पहले और प्रीवियस क्लास में, तो मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे जवाब देना है। अच्छा ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि आपका लेक्चर तो हो चुका है, तो आप मुझे जवाब देंगे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में एक्स है ना, ठीक है, मैंने कुछ वैल्यूज लिख ली, ठीक है, रैंडमली फॉर एग्जांपल मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ इस तरह, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना कि ये वाली वैल्यू जो आपको नजर आ रही है ना, ये आप देखें, एक बंदर जब मैं सवाल करूँगा ना, तो अब मैंने सवाल क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो तो जब मैं आपसे पूछूंगा तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मखसूस बंदे से क्वेश्चन करूंगा, मैं आप में से किसी का नाम लूंगा और वो मुझे सवाल का जवाब देगा, और जिसको आता है वो हाथ भी रेज कर सकता है, रेज हैंड कर सकता है, लेकिन आई विल आस्क फ्रॉम स्पेसिफिक पीपल्स इन द क्लास, ओके। तो क्लास में किसी से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? यस सर। लेकिन सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि चलें, ये अगर ये पहले आपके पास सामने में सेल में ना, और ये B2 में मैं 12 का लेना चाहता हूँ, 12 का स्क्वायर लेना चाहता हूँ, हाउ कैन आई टेक दैट 12 स्क्वायर इन B2? ये सबने नहीं बताना, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा आपने से मैं जरा आता हूँ। हाँ जी, ये जिसको आता है वो रेज हैंड कर सकता है, रेज हैंड का ऑप्शन आपके पास नीचे आता है, तो वो जिसको आता है वो आप रेज हैंड कर सकते हैं। जी मोहम्मद को भी आ रहा है, ठीक है, जान को भी आ रहा है। चले मैं अपने हिसाब से पूछता हूँ, अफनान, चले अफनान आप बताएं। हाउ यू आर गोइंग टू write the square of a cell? सर हम फर्स्ट पहले इज इक्वल टू करेंगे, देन चलें, मैंने इक्वल टू कर दिया, अब फिर क्या करूंगा? देन ब्रैकेट यूज करेंगे सर। ब्रैकेट यूज करूं? अच्छा किस लिए? सर ब्रैकेट की जरूरत है भी नहीं। देन इस कॉलम को सिलेक्ट करें सर, ये वाला जो ये 12 वाला, जी ये सर, कर दिए। अब देन मल्टीप्लाई then again इस कॉलम को सेलेक्ट करें सर। again इस कॉलम को सेलेक्ट, वैसे ब्रैकेट की बेटा जरूरत नहीं है, ठीक है सर, वो जस्ट ऑन सेफ साइड के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ देखें, ब्रैकेट मैंने नहीं डाला ना, कहता कि ब्रैकेट भी डालें, क्योंकि वो हालांकि वो 44 हो गया, ठीक है, तो 12,004 क्या है, 144 है ना? जी सर। तो ये आपके पास स्क्वायर आ गया। अच्छा, इज देयर एनी अदर ऑप्शन जो कर्सर है उसमें देखते जाएं, इज देयर एनी अदर ऑप्शन?
एक्सक्यूज मी सर, सर हमें स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा सर, वो वीडियो रिकॉर्डिंग शो हो रही सर आपकी। नहीं आपको नजर नहीं आ रहा? नो सर, नजर आ रहा है देख हमें, देख दूसरा स्क्रीन कर आ रहा है जी। आ रहे सर, अब आ किसका रहे इंतजार सर, जी आ रहा कर? है सर। ये एक्सेल शीट मोहम्मद आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ अभी आ रहा है सर, इसने पिन या तो जी मैं चेंज करते रहता हूँ ना, जरा सबर आ किया रहा है करें, सर वो जी आ रहा थोड़ा है। सा टाइम जा रहा है ना। चलिए बताएं मुझे कि अब कोई और तरीका है इसका स्क्वायर बनाने का? यस सर, यस यस सर है सर है। जी एक मिनट, मैं दोबारा देखें ये, मैं आपकी ग्रुप में चला जाता हूँ, कभी आप स्क्रीन पे आ जाता हूँ तो ये मेरी तरफ से बताया। अच्छा मैं जब स्क्रीन चेंज करता हूँ तो आप इस पे ना घबराइएगा। चले मुझे बताएगा अब्बास खान। अब्बास, इज देयर एनी सेकेंड वे टू राइट द स्क्वायर ऑफ अ सेल? अब्बास, अब्बास के पास नहीं है जवाब। अब्बास आर यू देयर? अगर आपको नहीं भी आता तो नो कहें। उबैदुल्ला को आ रहा है, अब्दुल सबूर को आ रहा है, मोहम्मद हामिद को आ रहा है, अफनान को आ रहा है, इन्होंने हाथ उठाए हुए हैं। लेकिन अच्छा नौमान आलम को भी आ रहा है, लेकिन मैंने किससे पूछा? अब्बास खान। अब्बास खान इज देयर? अब्बास खान सो के चला गया। देखिए इस तरह के बंदे जो है ना, जो मुझे नहीं सुन सकते, फिर इनको नोट कर दें। अब्दुल सबूर, यस सर, इनको नोट कर दें फिर ना, जो मैं करते कहते जाता हूँ वो जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, इसका मतलब है आइदर दे हैव लेफ्ट द मीटिंग और या इन्होंने मीटिंग ऑन करके कहीं चले गए बाहर। ओके सर, ठीक है। अच्छा अब्दुल सबूर आपने हाथ उठाया था, बताएं मुझे जरा हाउ यस टू, पहले तो आपने तो नोट भी करना है। अच्छा बल्कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देता हूँ, मोहम्मद हामिद। जी सर, जो बंदे मैं उनसे पूछता हूँ और वो यस नो भी नहीं करते, उनका नाम नोट करते जाए। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी बताएं किसने कहा था, किससे बात हो रही थी? मुझसे सर, जी अब्दुल सबूर जी बताएं। इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू? अच्छा मैं जरा स्क्रीन पे आता हूँ तो सबूर, मुझे जरा यहाँ से समझे। चलिए इक्वल टू मैंने प्रेस कर दिया, फिर क्या करना है? सर स्क्रीन जो तो आपको नजर नंबर आ रही सर, है ना एक्सेल वाली? ये हाँ सर अभी जी नजर आ रही है सर। हाँ जी बताएं अभी सर, फिर वो नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर लेते हैं। नंबर लिखूं? 1 2 सर। ये सर वो सिलेक्ट कर दे उधर से ट्वेल्व। अच्छा देखिए अगर मैं नंबर यहाँ पे लिख, मैं इसकी तरफ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अच्छा फिर यस सर, और फिर शिफ्ट के साथ सर 6 प्रेस करेंगे तो फिर आ जाएंगे। वेरी गुड, शिफ्ट के साथ 6 दबा दें तो ये आपके पास पावर वो आ जाता है, पावर का ऑप्शन आ जाता यस है। स्क्वायर हो यस सर, और फिर क्या लिखूं? 2 सर, यस सर, टू और एंटर मारूं? यस। एंटर मारूं, ठीक है तो वो आ जाएगा। देखें ये सारी चीज आ जाएगी, और ये अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो फिर क्या होगा? इससे क्या होता है? इसका जी स्क्वायर आ जाएंगे, जिस जो ऑटोमेटिकली जिस सर ये सारा स्क्वायर हो ये जाएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला सर। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ, आसान सा नंबर लेता हूँ, 2 लेता हूँ, देखते हैं कि वहां पर 4 आता है कि नहीं आता। आ गया ना 4? यस यस सर, आ गया सर। सर 2 ले लिया तो 4 आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो आसान नंबर मतलब 10 बताएं तो यहाँ पे देखें 100 आता है कि नहीं आता। आ गया ना, यस सर, आ गया। इसका मतलब है कि आपको डेटा कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, आपने जो सेल का स्क्वायर लेना है तो वो आपके पास आ जाएगा। तो ये एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर है, तो हम तो एक्स कैरेट 2 लिखें तो उससे कोई फर्क पड़ता है? आप लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि आप इस तरह लिख सकते हैं। यस ठीक सर, है, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन, ये आपके पास है। एक ऑप्शन आपके पास वो वाला था कि आप उस सेल को दूसरे सेल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा हमने अब ये मेरे पास डेटा है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वाला डेटा है और ये एक्स स्क्वेयर हो गया, तो आपने जो फाइंड करना था सम, सम आप कैसे फाइंड करते थे? फॉर सर इक्वल टू एग्जाम्पल करके सर। मैंने सम फाइंड करना है ना, तो क्या करते हैं इक्वल टू में डाल के यस एक सर, सम लिखते हैं सर। कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ अजाम अजाम, अजाम बताएं जरा। अच्छा नहीं आप बता दें इक्वल टू क्या करूं? सर, आप सम की कमांड लिखें, सम SUM। SUM लिखूं? यस फिर सर,
अब सर जिन टैब्स को सर सम करना है सर, इस पर सम को डबल क्लिक करें पहले सर, ये जो सम लिखा हो। इसको डबल क्लिक कर दूं। यस सर। अच्छा सर अब जो सेल्स जो सम करने सर उनको सेलेक्ट कर ले। अच्छा देखिए, डबल क्लिक से ये फायदा होता है कि वो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने यस इसका सर। सम फॉर एग्जांपल लेना है, यस सर। सर अब और फिर एंटर ब्रैकेट हो लगाने की जाता जरूरत है कि नहीं है, बस है। नहीं डायरेक्टली। सर डायरेक्ट भी हो जाते हैं और लगा भी ले तो सेफ साइड। हाँ वैसे डायरेक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इसने यस देखिए सर। ब्रैकेट कंसिडर कर लिया। ऊपर जाके देखिए सम ए यस टू टू सर। एस। तो ये सम किसका आया? ये सम असल में एक्स वाली वैल्यू को आया। एक्स का आया सर। ठीक है, मतलब आप ये भी कर सकते हैं, अगर मैं ये ना करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं जरा ये यहाँ पे जो है वो एक्स लिख दूँ और इधर एक बना दूँ एक्स स्क्वायर ना, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे इधर सम लिख सकता हूँ कि सम अगर मैं लिखना हुआ तो हफीज ने जिस तरह बताया इक्वल टू प्रेस करके सम अगर आपने लिख दिया तो कह रहे कि इस पर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक से यह होता है कि वो आ जाता है। अब आप सेलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट करने के बाद एंटर मारें तो वो ऑटोमेटिकली उसका स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान में याद रखें, सम सम ऑफ द एक्स आ जाएगा, जो भी ऑब्जर्वेशन है यस सर। सारी आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने एक्स स्क्वायर भी का भी सम फाइंड करना है तो उसके भी तरीका यही है कि इक्वल टू प्रेस करके सम लिखें और सम पे डबल क्लिक करें। तो फिर ये सिलेक्ट करने के एक्स स्क्वायर वाला कॉलम है, मुझे उसके भी सम चाहिए, वो एंटर मारूँ तो उसका भी सम आ गया। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। आई होप आप में से कितने लोगों ने प्रैक्टिस की है एक्सेल शीट की, जब मैंने आपको लास्ट थर्सडे का लेक्चर दिया था? रहे मैंने तो योर वो हैंड, परसेंटाइज वगैरह का तो जस्ट किया था एक सर। मिनट, जस्ट मैंने रेज भी योर हैंड, किया था। जस्ट रेज योर हैंड जिन्होंने किया है, सिर्फ हाथ उठाएं ताकि मुझे पता चल जाए बस। सनान मलिक, नुमान आलम, मोहम्मद अहमद, अच्छा हफीज, मोहम्मद हामिद, उबैदुल्ला। ये है प्रैक्टिस, यस सर। वर्दा इज देयर इन द क्लास? वर्दा आर यू देयर? यस सर आई ओके, सो यू आर नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग? हियर सर। मेरा लैपटॉप खराब है, वो इंशाल्लाह आज आ जाएगा फिर मैं कर लूंगी। अच्छा, ये बट ओके ठीक है। यू आर साइलेंट इन द क्लास। ओके आई वाज थिंकिंग, आई हैव रेज सो मेनी क्वेश्चन, यू डिडंट रिप्लाई टू मी। सर मैंने हैंड रेज किया था लेकिन शायद आपने देखा नहीं। अच्छा, चलें ठीक है, बी इन टच इन द क्लास। जो क्लास में होंगे ना तो रिकॉर्डिंग में आखिर में देखूंगा, तो इनके जो है ना इनकी क्लास पार्टिसिपेशन के अच्छे नंबर होंगे। अच्छा, ओके सर। सो एवरीवन शुड बी एक्टिव इन द क्लास बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू रेज योर मार्क्स। यस सर। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने हाथ उठाए हैं। ठीक है, आई एम हैप्पी दैट पीपल्स आर प्रैक्टिसिंग मैनी थिंग्स, लेकिन दे आर वेरी फ्यू इन द क्लास, वेरी फ्यू इन द क्लास। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ 25 पीपल्स आर इनरोल्ड नाउ हियर इन दिस, एंड ओनली 5 एंड 6 पीपल्स हैव रेज द हैंड्स। चलें बताएं। लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है ना, क्योंकि लास्ट टाइम किसी क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर प्रैक्टिकली अगर यहीं पे दिखा दे तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। आई एम डूइंग द सेम थिंग एक्चुअली। सो ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है और मैं आपको वो कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आपको क्या चाहिए? ये आपने कर दिया ना सम, अब आपका एवरेज चाहिए या जिसको आप अरिथमेटिक मीन कहते हैं या आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स, ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहते हैं, या आप इसको अरिथमेटिक मीन कहते हो ना। ठीक है, यस सर। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? जस्ट रेज योर हैंड्स। जी सनार मलिक बताइए। सर मैंने ये इसमें हैंड नहीं किया सर। ये तो इसका फॉर्मूला सर एक्स स्क्वायर ऑफ एन सर, एक्स स्क्वायर बाय एन। तो हाथ अभी तक उठा हुआ है, ये खत्म नहीं होता फिर? ये सर ये शायद लास्ट का होगा होता सर। है सर। बिल्कुल अभी। अच्छा, अपने हाथ दोबारा खत्म होता है करें। सर जी, उस पे फिर दोबारा टच करके होता है सर। चलिए अपने हाथ दोबारा खत्म करें, पहले सबसे पहले सारे खत्म करें। सौरभ आप भी खत्म करो। अच्छा, अब मुझे बताएं मेरे क्वेश्चन के जवाब। जी एग्जाम ने उठाया हमें, हमें तो बताइएगा। जी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं? सर अगर हम
अगर हम सर इसको फाइंड करना चाहे सर एक्सपेक्टेशन या एरिथमेटिक मीन, तो सर हम नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सर डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सर, तो इसके थ्रू हम एरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं सर, जो हमारे पास अगर हम एक्स का फाइंड करना चाहे सर, वेरी गुड, तो हम सम लिया सर और टोटल आई एम नंबर वेरी ऑफ हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू रिमेंबर द थिंग्स, ओके, आई एम वेरी मच हैप्पी विद ऑल यू पीपल्स हु आर जस्ट रिप्लाइंग मी रिप्लाइंग टू माय क्वेश्चंस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अब तरीका जो है ना, व्हाट विल बी द प्रोसीजर इन एक्सेल, एक्सेल में हम क्या तरीका कर सकते हैं, मैं किस तरह लिखूं? तो हामिद अभी आप ना बताइएगा, आपने अपना क्वेश्चन दे दिया, कोई और रेज हैंड्स करें ताकि मुझे पता चले। जी हफीजा बताइएगा सर, अब जैसे कि आपने सबमिशन सर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कर लिए सर, वो एक्स के नीचे 870 आ गया सर, हाँ, तो क्या करूँ अभी ठीक इधर? है सर। सर अब अगर आप किसी अलग सेल में करना चाहते हैं तो सर मैं कर इक्वल रहा टू हूँ ना, डाल जिस के, सेल में जो सेल आपको नजर आ रहे हैं ना, उसमें बताएं मुझे यस क्या सर, करूँ। सर इक्वल टू करके इक्वल टू मैंने प्रेस कर दिया, जी सर 870, ये वाला सेल 870 यस लिखूं कि सेल सर, लिखूं? सर सेल ये वाला सर अच्छा, अगर मैंने 870, सेलेक्ट, देखिए ये जहन में याद रखेंगे, अगर यहाँ पे 112 है ना या 144 जो है 12, तो अगर यस मैं सर, सिर्फ 12 का नंबर लिखता हूँ, 12 स्क्वायर करता हूँ, तो वो नंबर आ जाएगा सर। जी फिर अगर सर, आप ड्रैग करते हैं ना, तो बाकी यस सर, नंबर का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, जी सर, ठीक है? तो ये जहन में याद रखिए कि आपने सेल नंबर उठाना होता है जी। उसके साथ क्या करूँ, डिवाइड बाय? सर अब डिवाइड बाय सर, अब एन हम सर इस तरह भी देख सकते हैं सर, क्योंकि ये तो थोड़ी वैल्यूज है, और सर दूसरी तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एन टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है सर, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे सर, डिवाइड बाय 6 करते हैं, क्यों? द रीजन यस इज सर, दैट नंबर ऑफ बिकॉज़ वी ऑब्जर्वेशन हैव होता है नंबर ऑफ सर, ऑब्जर्वेशंस आर 6, सो यस सर, डिवाइड बाय 6 करते हैं, एंटर मारें, तो ये आपके पास क्या जाएगा, ये सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एरिथमेटिक मीन या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जिसको हम कहते हैं सर, अच्छा, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो ये आ गया, लेकिन मुझे वो भी तो चाहिए, एक मिनट, ये जो कॉलम है ना, असल में ये वाला यस सर, मैं यहाँ से खत्म करके इसको कट कर दूँ और यहाँ पे डाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अब मुझे यहाँ पे देखें, ये सम आ गया, मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ यस सर, एक्स स्क्वायर चाहिए यार, एक मुझे ये मतलब हो जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मुझे ये चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फिर क्या तरीका होगा? सर मैं नहीं ही बताऊं सर या कोई और नहीं नहीं बताए? नहीं अफनान बताएगा, अफनान ने हाथ उठाया। सर जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना है हमने, तो सर जो एक्स स्क्वायर हमने इधर निकाला हुआ है सर, इसका सम लिया हुआ है सर ये हमने, तो अभी ये जो है इज इक्वल टू लिखें आप सर, इक्वल टू लिखूं अच्छा, फिर सर ये ऊपर वाला कॉलम सेलेक्ट करें। ये वाला जी, जी सर, देखिए ये इस तरह मत क्या करें, बकायदा इसका एड्रेस है G2, जी मुझे टू सर, जी इसका टू G2 सेलेक्ट करें, डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय सर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है सर, डिवाइड बाय 6 कर देते हैं। 6। अच्छा कोई ये एक चीज मुझे बता दें, थैंक यू वेरी मच अफनान, बड़ा अच्छा हो गया, आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, कि एक्सेल शीट पे डायरी चीजें हो रही हैं और आपको समझ आ रहा है। नाउ यू कुड प्लीज टेल मी, इससे पहले किसने बताया था मुझे जवाब? सर मैंने बताया था, अज़ाम, अज़ाम आप मुझे जरा दोबारा आइए, जरा आपसे यस सर, कुछ और बात पूछनी है जी सर, अज़ाम आ जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये गिनती का नहीं पता, इज देर एनी यस वे सर, टू कैलकुलेट द टोटल नंबर? यस सर एक है तरीका सर, चलिए मैं यहाँ पे काउंट लिखता हूँ, कि मुझे कोई काउंटिंग बता दे, या ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या यस सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में लिखता हूँ ना, और मुझे बता दें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कोई तरीका है बताए मुझे? सर इक्वल टू काउंट करके सर, इक्वल काउंट टू करके, काउंट यस सर, की काउंट की कमांड दें, COUNT काउंट है कुछ? अच्छा यस डबल सर, ये क्लिक करना, डबल क्लिक करें और सर जिस सेल को काउंट करना है वो सब सेलेक्ट कर लें और एंटर दबा दें, ये आ वेरी गया सर, गुड, सो इस आई एम हैप्पी विद अज़ाम दैट थैंक यू यू। सर, देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे भी नहीं आती, लेकिन आप लोगों ने बता दिया और मैंने यहाँ पे सीख लिया कि भाई ये आप खुद तलाश करेंगे, यू शुड नो इट, यस सर, देयर प्लेंटी ऑफ कमांड्स आर अवेलेबल, ठीक है? और आपने इस कमांड की मदद से जो है ना, आपने नेट पे भी जाके गूगल कर सकते हैं, यू कैन जस्ट रन आउट हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए चार तरीका हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता चल गया यहाँ से।
ओके, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब मुझे चाहिए, व्हाट आई नीड टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड वेरियंस। क्या चाहिए मुझे? मैं वेरियंस कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? जस्ट यू रेज योर हैंड्स। वेरियंस के कैलकुलेशन के लिए कितने लोगों ने हाथ उठाया हुआ है? सो फॉर नोबडी हैज रेज द हैंड्स। यस शाहनवाज, शाहनवाज, शाहनवाज ने यस पहले कहा था, तो शाहनवाज से पहले पता करना है। शाहनवाज यस टेल मी। यस सर। शाहनवाज जी बताइए, मैंने क्या कहा? सर आवाज सही नहीं आ रही सर, जस्ट प्लीज रिपीट, रिपीट करें फिर सर। मैंने देखें, आपने यस सर कह दिया ना, मैंने कहा कि आप वेरियंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करें सर? कोई बंदा रिपीट करके दे, कोई एक बंदा रिपीट करके दे। अजाम रिपीट कर दें क्वेश्चन मेरा। शाहनवाज सर ने क्वेश्चन किया कि वेरिएंस हम कैसे फाइंड करेंगे इसका। शाहनवाज अगर आपको नहीं आ रहा तो खैर है, लेकिन ये बहाना मत करें कि आवाज नहीं आ रही। पहली मर्तबा वरदा ने हाथ उठाया। चलिए वरदा बता दें। सर इसका वो फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इनटू एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर का सम और प्लस x एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर उसका सम। अच्छा, ये इस तरह मतलब आप लिखोगे कैसे? ये फार्मूला है ना आपके पास, लेट मी जस्ट रिकॉल यू कि ये फार्मूला है, फार्मूला अगर आपको बता दूं। हाँ ये स्टैंडर्ड वेरिएशन का देखिए, x स्क्वायर इज इक्वल n बाय n माइनस 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। ये फार्मूला नजर आ रहा है ना सबको कर्सर में? यस सर आ रहा। अच्छा तो ये जो फार्मूला है हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं इसको एक्सेल में, कैसे करेंगे? इक्वल टू लिखें, वर्दा बताएं जरा आगे, एन में क्या लिखूं? सर ये F8 सेलेक्ट करें। हाँ F8, चलिए F8 सेलेक्ट किया। डिवाइडेड बाय, डिवाइड बाय F8 माइनस 1। अब F8 माइनस 1 आप ब्रैकेट में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ब्रैकेट में लिखेंगे सर। अच्छा ये आपने ब्रैकेट में लिखना है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। F8 माइनस 1, एंटर मारो कि नहीं? आगे नो सर, इस पूरे को एक और ब्रैकेट में कर दें। अच्छा जी एक और ब्रैकेट आ गया, फिर सर फिर ये सेलेक्ट करें, पूरे को एक और ब्रैकेट में करूं? जरूरत तो नहीं है, खैर है बस हो गया है। चलो ये भी ऐसे भी चलेगा सर। फिर F3 सेलेक्ट करें। F3, F3 इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर यू मीन? यस सर। सर वो मल्टीप्लाई का निशान आप डालना भूल गए। अच्छा वो तो अगर नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली नहीं लेगा सर? कभी कभी नहीं लेता सर। अच्छा नहीं लेता, मल्टीप्लाई का ऐसा करते हैं कि देखिए मल्टीप्लाई भी डाल देते हैं। चले और ये वर्ता ने कहा कि एक ब्रैकेट भी डाल दें, तो चले ये एक एडिशनल ब्रैकेट भी डाल देंगे कि इधर एक ब्रैकेट होना। चले ये ब्रैकेट भी डाल देते हैं इधर। ये ब्रैकेट भी डाल दें। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई टू व्हाट, कौन सा डालूं बेटा? सर F3। F3, F3 में तो कोई वैल्यू नहीं है, उसमें तो सिर्फ नाम है। सर आगे वाला G3। G3, G3 सर। G3, अच्छा G3 माइनस E3 का स्क्वायर। E3 का स्क्वायर, इसका मतलब इसको ऊपर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना? यस सर। E3 का
फिर ब्रैकेट बंद कर दें, उसका स्क्वायर कैसे लेंगे, इस तरह लेंगे ना, ये स्क्वायर ले लिया तो ये भी कर दिया, और फिर ब्रैकेट बंद कर दे दोबारा ना दूसरी। ये देखिए ये ब्रैकेट के सिंबल से आपको अंदाज़ा हो रहा है ना, अगर ब्लैक है तो ब्लैक एंड ब्लैक पेंट हो रहा है, तो यहीं से आपको सीक्वेंस का पता चल जाता है कि आप ठीक जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। एंटर मारो अभी। यस सर। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट द वेरियंस वर्ता हैज टोल्ड यू एग्जैक्टली। सिमिलरली कुड यू प्लीज टेल मी, ये तो आपका हो गया, वेरियंस आपने कैलकुलेट कर लिया, एनी अदर पर्सन हु इज गोइंग टू टेल मी द स्टैंडर्ड डिविएशन? सर मैं बताऊं? जी सर ने कहा कि मैं बताऊं। सर मैंने कहा, किसने कहा मैं बताऊं? सर सर मैं नाम बताया पहले मैं सौरभ। अच्छा सौरभ बताए चले आपने कह दिया तो आप बताए। जी सर। सर ये जो वेरिएंस निकला है सर इसका अंडर रूट लेंगे सर। तो कैसे लूंगा वो बता दें मुझे, मैंने अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो स्टैंडर्ड डिविएशन के सामने मैं क्या करूं ये नेक्स्ट शब्द में? सर ये अंडर रूट का पता नहीं है सर। नहीं पता। चलिए सर मैं बताऊं फार्मूला यार। अजाम कह रहे कि उसको पता है, तो अजाम चलिए आप बताएं। सर डायरेक्ट कमांड भी इक्वल टू करके, इक्वल टू मैंने दे दिया जी। सर अब स्क्वायर रूट एस क्यू आर ठीक करेंगे सर। एस क्यू आर टी लिखूंगा सर। अब वो टैब सेलेक्ट करेंगे सर, डबल क्लिक कर लूंगा ना। ई फोर है सर। डबल क्लिक की जरूरत है सर? यस सर जरूरत है, तभी वो सेलेक्ट होगा, लेकिन सर ऐसे भी कभी कभी हो जाता। एस क्यू आर टी ई फोर लिखूं? यस सर। अच्छा जो वेरिएंस है उसके हमने स्क्वायर रूट लेना है ना? यस सर। तो ये एंटर करते हैं और ये यस यू आर राइट। यस सर। अगर अगर आपको फिर भी डाउट है ना तो 310.3849 मल्टीप्लाई द सेम नंबर करें तो उससे 96338.8 आ जाना चाहिए। ठीक है जी सर। वेरी गुड। अब क्या चीज रहती है, कोई और चीज हमारे पास कैलकुलेशन में क्या रहती है? कोफिशिएंट रहता है सर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्या फार्मूला है, क्या वो है, हम कैसे कैलकुलेट करते थे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? सर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मींस मल्टीप्लाई 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं जी कोई और बता सकता है? हामिद हफीज अफमान। अच्छा बाकी लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे यार? हमजा कुड यू प्लीज टेल मी? जी बताएं। आपकी आवाज बिल्कुल स्लो है। अच्छा आप पता नहीं कहीं आपके साथ कोई बैठा हुआ है कि क्या? नहीं सर कोई बैठा नहीं है सर, बस मैं तो सही बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों सर स्लो है। सर तेज बोले ना यार, आपकी आप लोग सुनते हो, बाकी लोग हमजा की आवाज सुन रहे हो आप? सर नहीं आ रही बिल्कुल, ऐसा विस्परिंग हो रही है सर। सर नहीं आ रही, नहीं सही नहीं। यस सर आ रही है तो आप लोग मुझे बताएगी। हेलो अब आ रही है सर? अब आ रही है सर। जी बताएं जरा, तो नाश्ता किया हुआ कि नहीं किया हुआ हमजा? सर मैं बताऊं सर नाश्ता किया? सर आप दूसरा क्वेश्चन का जवाब में दे रही हैं सर, आप अभी ये किसी और से पूछ लेना जरा आवाज। चलिए मैं फाद से पता करता हूं। फाद आप बताएं। चलिए सर एक्सेल शीट भेजें सर। आ गया एक्सेल शीट आपके सामने है बेटा। सर इक्वल लगाएं सर। इक्वल दबा दिया फिर? सर E5 सर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट पहले ले लेंगे सर। हाँ ब्रैकेट ले लूँ? जी सर। E5 में क्या है? E5 सेलेक्ट कर सर, ये स्टैंडर्ड डिविएशन सर उस डिवाइड पे सर, ये E4 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय E4, E4 क्या है? E4 E4 पे डिवाइड करूँगा। वेरिएंस आर यू श्योर? नो सर। सर वेरिएंस डिवाइडेड बाय वो सॉरी सर, वही बताया ना वेरिएंस करूँ। E4 डिवाइडेड बाय सर E5 है तो ब्रैकेट बंद करके सर मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे सर। एक मिनट क्या लिखूँ यहाँ पे, क्या सर लिखूँ ब्रैकेट के बाद? आप देखें ना मुझे बताया ना डायरेक्ट, ये तो लाइव मामला चल रहा है, अब तो कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं है। E4 के चल में
व्हाट शुड आई राइट ई फोर डिवाइडेड बाय ई फोर डिवाइड बाय व्हाट यस सर डिवाइडेड बाय ई फाइव सर ई फाइव ठीक है क्या गलत है बाकी लोग क्या कहते हैं चलिए गलत है सर सर ई थ्री मैं बताऊं गलत है सर किसने कहा मैं बताऊं ई थ्री सर ई थ्री ई थ्री सर ई थ्री उस्मान चलो उस्मान उस्मान से पता करते हैं कि वो डिवाइड बाय क्या होगा सर डिवाइड बाय ई थ्री ई थ्री क्या होगा बेटा सर ये एक्स होगा अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन है सो डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन होगा व्हिच इज ई थ्री ये सही है बाकी लोग नो सर अभी भी गलत है यस सर क्यों ठीक है सर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय ठीक है सर ठीक है अरिथमेटिक है ना सर क्या है सर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन होगा सर हाँ देखें ये एग्जाम ने अच्छा बता दिया कि यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं इधर इधर स्टैंडर्ड डेविएशन ये सर ये सब पहले से गलत था सर हाँ तो ये आप आपने करेक्ट करना था सर मैं यस सर वाला अब सही है एक कमी रहती है सर क्या कमी ठीक है सर मल्टीप्लाई बाय 100 सर 100 है सर मल्टीप्लाई बाय 100 अब 100 करेंगे तो क्या क्या मिली फॉर्मूले को देखें जरा सर एंटर सर अच्छा सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियास यस सर इसका कोई यूनिट नहीं होगा सर हाँ और इसका यूनिट नहीं होगा इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मैं क्या लिखूंगा अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स मैंने किसी यूनिट में कैलकुलेट किया ना एक्स यूनिट में ठीक है तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्या लिखूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन को हम नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं उसके साथ यूनिट लिखेंगे जो भी यूनिट होगा ठीक है जी सर और वेरियंस के साथ आपने यूनिट स्क्वायर लिखना होता है क्या लिखना होता है यूनिट स्क्वायर क्योंकि ये एस टाइम एस है ना अच्छा वेरिएंस आपके पास क्या है एस स्क्वायर है ये वेरिएंस आपके पास क्या है एस स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर होता है तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू ना तो आप उसको वेरिएंस भी कहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन असल में स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाता है ठीक है और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ आप यूनिट लिखते हैं फिर जो सी वी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है दिस इज यूनिटलेस एंड व्हाई इट इज यूनिट फ्री कोई और बता दे जिन्होंने पहले सवाल का जवाब दिया वो ना बताएं आप में से कोई और बता सकता है कि व्हाई दिस रेशियो इज यूनिटलेस वर्दा कुड यू प्लीज टेल मी सर बिकॉज़ इट्स द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज इस रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी तो यूनिट के साथ क्या हो जाता है सर यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं ऊपर नीचे वेरी गुड यूनिट्स गेट कैंसिल्ड सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दैट यहां पे कोई यूनिट नहीं होता सीवी में समझ में ही बात क्योंकि न्यूमरेटर में भी वही यूनिट होता है डिनोमिनेटर में भी वही यूनिट होता है ठीक है बेटा ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिए आप सबको डियर स्टूडेंट्स नाउ यू कैन प्रैक्टिस द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिमिलर फैशन and you can practice the continuous frequency distribution theek hai yes sir jo yes sir yes sir ab to mere khayal mein kisi ko koi dikkat nahi hai kyunki maine live aapko bata diya ki excel sheet pe aap kaise karni hai cheeze sir ab bahut zabardast explain yes, ho gaya sir sir yes sir zabardast so are you happy with the way that you are learning yes sir very happy yes sir very happy thank you very much for your being a very good audience in front of me that they have that guts that they came here for learning I hope that you will enjoy this online session and I'm winding up because my time is off it's 12 o'clock sir, so, sir you can take attendance sir azam attendance beta aa chuki hai ye dekhen ye jo aapke paas hai na aapne ye jo site mere paas hai na chat mein ji sir inhone naam nahi likha abhi bhi naam likh le अपने नाम और आईडी लिख लें चैट में ताकि वो मेरे पास उसके बाद मैं रिप्लाई आपको अच्छा सर चैट का पेन में इसमें बेटा पीपल के सामने चैट लिखा हुआ है ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आपको आ जाएगा थ्री डॉट्स पे क्लिक करें इन कॉल मैसेज मैसेजेस यस सर यस 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 जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया सर
सनान मलिक ने भी किया, अजाम हफीज ने भी किया, तैमूर अपने नाम और साथ में आई डी देते जाए, रिपीटेड मत करते जाए, जिन्होंने पहले किया हुआ है वो रिपीट मत करें बस। लेकिन ये सारे नाम मेरे पास आ रहे हैं अभी, शाबाश अटेंडेंस रिकॉर्ड करें जल्दी करें, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना है, शाबाश करें करें सारे करें सारे लिखें शाबाश, जिन्होंने सी यू आई डी के साथ नहीं लिखा हो दोबारा लिखें शाबाश। सर फाहद का एक क्वेश्चन है जी, फाहद की तरफ मैं आता हूँ बेटा, जरा एक मिनट अटेंडेंस हो जाए बेटा जरा। So record your attendance in the chat. Abab Sajid ne chhod diya hai. Okay, lecture is also done. Ji Fahad ka question hai, kiske question? Yes sir, ye topic ke related to nahi hai sir, ye assignment ke bare mein puchna tha sir. Ji puchhe beta puchhe. Sir ye second number assignment jo hai sir, ye sirf excel sheet bana ke sir send karni hai ke word mein bhi usko sir? Beta mujhe khushi hogi agar aap teenon cheeze kar dein. Acha sir, I will be happy that if you find a problem, acha problem agar aapne dhoond liya, I will be very good, I will be happy that you are searching for a good problem. Aur uska fir aap expectation of experiment karte hain, fir aap usko excel ka ki calculation bhi saath mein de dete hain. लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये सारी एक ही फाइल में होनी चाहिए, चलिए ध्यान में याद रखें, कोई देयर शुड बी नो सेपरेट फाइल। ओके सर, कोशिश करें कि सर ये एक्सक्यूज मी सर, मैं जरा ऐड कर दूं, जरा एक मिनट अजाम मूसा एक मुझे सुने जरा, कि सबसे पहले आप एक वर्ड फाइल बनाएं और वर्ड फाइल में आप मुझे जरा सुने, वर्ड फाइल में आप अपने असाइनमेंट को जो आपने किया हुआ है ना वो वहां पे रख दें, और साथ में उसकी दूसरे पेज पे आप एक्सेल पे जो कैलकुलेशन है वो भी रख सकते हैं, जो मैनुअली किया है वो भी वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन एक ही फाइल में हो जो वर्क हो तो ज़्यादा अच्छा। जी अजाम पूछें। सर मैं भी सेम यही कह रहा था कि सर जैसे आप हमें एक्सप्लेन करने के लिए देते हैं सर सेम वर्ड फाइल में, सर उसी तरह हम भी फिर बना देंगे सर, वो अच्छा तरीका है। दैट्स गुड, दैट्स गुड अजाम, आई लाइक द वे दैट यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीवर यू। Okay, so let me finish my lecture. I hope that there will be another class at 2 o'clock, 12 o'clock. So I'm leaving the session. So before leaving the session, I hope that everybody has recorded their attendance in the chat. Everyone yes, has done it. Yes, sir. Yes. Sir. Okay. So, beta, just I'm leaving the session, and आप भी session off कर दें, क्योंकि फिर मसला होगा, फिर आप दूसरे जिनकी दूसरी क्लास है दूसरे क्लासों पे चले। थैंक यू वेरी मच, गुड शेयर हो गया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये मैं सबसे पहले जाने से पहले ये जरा ऑफ कर दूं, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ये स्टॉप जब मैं रिकॉर्डिंग हुआ आपके पास मिल जाएगी। अच्छा